Sri Anurag Singh Thakur ji. My warm welcome to the honorable ministers. The press conference will be conducted as follows. First, the honorable minister for information broadcasting will give opening remarks, followed by remarks by the minister for agriculture and farmers welfare, followed by remarks by the minister for health. After the briefing, we need to take a few questions. Over to honorable minister, sir. धन्यवाद. आज की कैबिनेट मीटिंग में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जिसकी जानकारी आप सबको देने के लिए. विशेष तौर पर पहले तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से जुड़ा हुआ है. आपको याद होगा कि पिछले वर्ष 15 मई 2020 को माननीय वित्त मंत्री जी ने 1,00,000 करोड़ के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की थी और उसके बाद 1 फरवरी 2021 को माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में यह भी घोषणा की थी कि इसमें एपीएमसी को जोड़ा जाएगा. और बड़ी बात यह है कि एपीएमसी का और सशक्तिकरण हो, उनके माध्यम से और किसानों को लाभ मिल सके, उस दृष्टि से बड़ा निर्णय किया गया कि ये जो 1,00,000 करोड़ रुपया है इसको एपीएमसी के माध्यम से अलग अलग आधारभूत ढांचा बनाने के कैसे अवसर दिए जा सके, जिसकी विस्तृत जानकारी माननीय कृषि मंत्री जी आपको देंगे. इसके अलावा जो हमारा कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है उसको ही कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट 1979 में कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं कि जिसमें चेयरमैन की पोस्ट को लेकर उसकी बजाय उसमें और प्रोफेशनलिज्म आए, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और सीईओ को बनाने का निर्णय किया गया है. इसमें भी कोकोनट के उत्पादकों को, उससे जुड़ी हुई इंडस्ट्री को बल मिलेगा. पहले निर्णय में जहां एपीएमसी के माध्यम से देश भर के किसानों को और लाभ देने का काम किया है, जैसा पहले ई नैम्स के माध्यम से भी मंडियों को और मजबूत करने का काम किया, एक के बाद दूसरा निर्णय मोदी सरकार में माननीय कृषि मंत्री जी ने जो लिए हैं वो एपीएमसी को मजबूत करने के लिए, उस पर विस्तृत जानकारी माननीय मंत्री जी देंगे. तो दूसरा विषय हेल्थ से रिलेटेड है, क्योंकि पिछले वर्ष के बाद ही लगातार कोरोना से लड़ने के लिए बहुत सारे कदम केंद्र सरकार ने भी उठाए, राज्य की सरकारों की मदद करने का काम भी किया. आपको याद होगा इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ फंड जो हमने किया था पिछली बार, वो 15,000 करोड़ रुपया सबसे पहली मदद के रूप में केंद्र सरकार ने राज्यों को अपनी टेस्टिंग फैसिलिटीज, लैब्स और बाकी आधारभूत ढांचा हेल्थ से रिलेटेड सुधारने के लिए दिया था. उसके बाद ये भी निर्णय किए कि एसडीआरएफ का पैसा भी कोविड की लड़ाई में इस्तेमाल किया जा सकता है. ये निर्णय भी उस समय हुआ था कि नेशनल हेल्थ मिशन के पैसे को भी उसमें उपयोग किया जा सके, क्योंकि कोविड से जंग जीतेंगे हम, इसमें लगातार केंद्र ने राज्यों की मदद करके एक टीम के रूप में काम किया. और आज एक बड़ा निर्णय फिर इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम्स प्रिपेयरनेस पैकेज 2, जिसको 23,123 करोड़ रुपए का आज उस पर निर्णय लिया है. इसमें भी राज्यों को अगर भविष्य में कोई ऐसी स्थिति आती है कि कोविड से लड़ना पड़े, तो जैसा हमने पहले भी कहा था कि बाल चिकित्सा के लिए पेडियाट्रिक्स और बाकी सब सुविधाएं और बाकी भी सब, उस पर माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई वो भी आपको उस पर जानकारी देंगे. मैं पहले आग्रह करता हूं आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी से, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी, और उसके बाद माननीय मनसुख भाई उसके बाद स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देंगे. इस अवसर पर उपस्थित हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री माननीय श्री मनसुख भाई मांडविया जी और हमारे सूचना प्रकाशन मंत्रालय के नवनियुक्त मंत्री माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी, सचिव कृषि डीजी साहब और उपस्थित मित्रों, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने आप सबके समक्ष विषय रखा,
कि आज मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में बैठक में कृषि एवं स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित अनेक निर्णय हुए। कृषि मंत्रालय से संबंधित जो निर्णय हैं, विगत 7 वर्षों के आप सब भी साक्षी हैं, लगातार भारत सरकार के निर्णय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कृषि और किसान के प्रति प्रतिबद्धता है उसके परिचायक हैं और वो प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में एक बड़ा क्षेत्र है जहाँ नारियल की खेती होती है। नारियल की खेती का में उत्पादन बढ़े, उनके किसानों को सहूलियतें दी जा सकें, उनकी उत्पादकता बढ़े और इस सारे काम को देखने के लिए नारियल बोर्ड 1981 में अस्तित्व में आया था। इस नारियल बोर्ड के एक्ट में हम लोग संशोधन करने जा रहे हैं। एक तो बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो गैर शासकीय व्यक्ति होगा, उसी परिक्षेत्र से होगा, किसान पृष्ठभूमि में होगा और जो फील्ड की गतिविधियों को ठीक प्रकार से समझ सके, और एग्जीक्यूटिव पावर के लिए एक सीईओ होगा, उसके अंदर एग्जीक्यूटिव पावर निहित रहेंगी। बोर्ड में 2 प्रकार के सदस्य हैं, एक प्रकार है केंद्र सरकार द्वारा नामित कुछ राज्य जो उसमें प्रतिनिधि के तौर पर रहते हैं, दूसरी श्रेणी ऐसी है जो बाकी राज्य बचते हैं वो चक्रानुक्रम से उसमें जुड़ते जाते हैं और उनका कार्यकाल समाप्त होता जाता है। इस बार हम लोगों ने यह भी फैसला किया है कि केंद्र सरकार जिन 4 सदस्यों को नॉमिनेट करती है उनकी सदस्य संख्या बढ़ाकर 6 की गई है और अब आंध्र प्रदेश और गुजरात भी उसमें मेंबर होंगे, यह भी परिवर्तन करने हम जा रहे हैं। तीसरा इस क्षेत्र में परिवर्तन है कि नारियल बोर्ड अभी तक भारत के भीतर बोर्ड की गतिविधि हो, नारियल की खेती हो, इस दृष्टि से काम कर सकता था, विचार कर सकता था, योजना कर सकता था, उसे क्रियान्वित करने की कोशिश कर सकता था, लेकिन अब नारियल की खेती और नारियल के किसान को और लाभ हो इस दृष्टि से वह भारत के बाहर भी गतिविधि की आवश्यकता है तो बोर्ड उस पर विचार कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। ऐसे 3-4 प्रकार के संशोधन निश्चित रूप से इस दिशा में हुए हैं। दूसरा, आप सबको ध्यान में है और मैं किसान आंदोलन से जुड़े हुए मित्रों को भी कहना चाहता हूँ, आम तौर पर ये कहा जाता है कि नए कानून आए उससे एपीएमसी खत्म हो जाएगी। आप सबके ध्यान में है कि भारत सरकार ने जो कुछ भी समय समय पर कहा है उसको करने का सदप्रयत्न किया है और जो घोषणा बजट में भारत सरकार की होती हैं उनको भी क्रमशः हम पूरा करते हैं। जब इस बार बजट आया था तो ये कहा गया था कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी, मंडियों को और मजबूत किया जाएगा, मंडियों को और संसाधन मिले इस दृष्टि से प्रयत्न किया जाएगा और जो कृषि अवसंरचना फंड 1,00,000 करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत प्रावधित किया गया है उस 1,00,000 करोड़ के फंड का उपयोग ये एपीएमसी कर सकेगी। तो बजट की जो घोषणा थी उस घोषणा को पूर्णता प्रदान करने की दृष्टि से आज मंत्रिपरिषद में यह विषय आया तो आज मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार एपीएमसी भी अब उसके लिए पात्र होंगी और वो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का अपने संसाधन बढ़ाने की दृष्टि से किसानी के लिए अधोसंरचना उपलब्ध कराने की दृष्टि से उपयोग कर सकेंगे। इसी के साथ साथ राज्य सरकार और राष्ट्रीय और राज्य स्तर की जो
कॉपरेटिव की फेडरेशंस हैं या स्व सहायता समूह के फेडरेशन हैं, वो भी इसकी पात्रता की सूची में आज के निर्णय के बाद आ जाएंगे। अभी तक हम लोगों ने इसमें ये प्रावधान किया था कि कोई व्यक्ति, संस्था, सहकारी समिति, एफपीओ या एग्री स्टार्टअप, किसानों का समूह, ये सब लोग अगर आएंगे तो एक संरचना बनाएंगे तो उसके लिए 2 करोड़ रुपए तक का लोन, जिस पर सरकार की गारंटी होगी, और 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 3% ब्याज की छूट होगी। स्वाभाविक रूप से हम सब इस बात को जानते हैं, कई बार व्यक्ति भी इतना क्षमतावान हो सकता है कि एक से ज्यादा प्रोजेक्ट वो कर सके, संस्थाओं की क्षमताएं तो निश्चित रूप से और भी होती हैं। इसलिए आज हम लोगों ने ये भी निर्णय किया है कि यदि व्यक्ति एक से अधिक प्रोजेक्ट करेगा, लेकिन उसकी अधिकतम सीमा 25 होगी, और ये परियोजनाएं अलग अलग गांव क्षेत्र में करना पड़ेगी, वो एक स्थान पर 10 परियोजनाएं नहीं कर सकता, तो अगर वो 25 तक भी परियोजनाएं करता है तो हर परियोजना को अलग अलग 2 करोड़ रुपए तक ब्याज पर छूट और गारंटी की पात्रता रहेगी। राज्य सरकार की जो एजेंसियां हैं या राष्ट्रीय और राज्य स्तर की जो कॉपरेटिव्स हैं, फेडरेशंस हैं, ये लोग पर ये बंदिश लागू नहीं होगी, वो 25 से अधिक भी, लेकिन विकेंद्रीय रूप से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं तो अलग अलग प्रोजेक्ट मानकर उनको छूट देने की पात्रता निश्चित रूप से रहेगी। इस दृष्टि से हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है, और मंडी के मामले में ये भी निर्णय किया है कि मंडी का जो परिक्षेत्र है, मतलब एक मंडी का परिसर हो गया, लेकिन कृषि उपज मंडी जिस पूरे कमांड क्षेत्र में काम करती है, उस कमांड क्षेत्र में अगर वो एक से अधिक परियोजनाएं बनाएगी अपने किसानों के लिए, तो उसको भी इस प्रकार की पात्रता रहेगी। इस दृष्टि से आज के ये निर्णय निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और इस योजना की हम लोगों ने अवधि बढ़ाने के लिए भी निर्णय किया है। मैं समझता हूँ इस निर्णय से अधिक लोग लाभान्वित होंगे, अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, और आज इसका दायरा काफ़ी बढ़ गया है, और विशेष रूप से जो बात कही जाती थी कि एपीएमसी खत्म हो जाएंगी, एपीएमसी खत्म नहीं होंगी, कृषि कानून लागू होने के बाद भी कृषि उपज मंडी को करोड़ों रुपए का साधन भारत सरकार की ओर से इस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में से उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वो सशक्त होंगी, उनके आय के साधन बनेंगे और अधिक किसानों के लिए वो उपयोग में आ सकेगी। प्रमुख रूप से मुझे इस अवसर पर इतना ही कहना था। नमस्कार आदरणीय तोमर साहब, आदरणीय अनुराग जी, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर और सभी पत्रकार बंधु भाइयों और बहनों, आज हेल्थ के संदर्भ में कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण फैसला किया गया है। आप सब लोगों को पता है कि अप्रैल 2020 में पहला पैकेज इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज के रूप में 15,000 करोड़ रुपीस का दिया गया था, और ये पैकेज का अच्छी तरह से उपयोग भी हुआ और उसका रिजल्ट भी आया। आपने देखा होगा कैटेगरी 1 में कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल हमारे पास 163 थी, वो बढ़ के 4,389 हो गई। कैटेगरी 2 में डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर उस वक्त हमारे पास था ही नहीं, ये पैसा का उपयोग करके 8,338 हमने डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर बना लिया। वैसे ही कैटेगरी 3 में डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर आज 10,011
हमारे पास बन चुके हैं। ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हमारे पास 50,000 ओनली थे, उसको बढ़ा के 4,17,396 आज के दिन में हो चुका है। इस तरह से ये 15,000 करोड़ रुपीस का उपयोग हुआ और उसका फायदा भी हमें हुआ। सेकंड वेव्स में हमें जो दिक्कतें हमारे सामने आई, जो समस्याएं हमारे सामने आई, वो भविष्य में हमारे सामने ये स्थिति को हम भविष्य में कैसे निपटे, उसके लिए ये पैकेज टू लाया गया है। पैकेज टू में कुल मिला के 23,000 करोड़ रुपीज का एक पैकेज है। ये पैकेज में कुल मिला के केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों साथ में मिलके उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और ये पैसा स्टेट को दिया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से 15,000 करोड़ रुपीज दिया जाएगा और राज्य सरकार 8,000 करोड़ रुपीज निकालेगी। सभी के साथ, सभी स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन के आधार पर कौन सी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। सेकंड वेव्स में हमने देखा कि देश में बेड आज के दिन में जो पीक पर पहुंचा था सेकंड वेव्स, तो क्या स्थिति थी, उसको देखते हुए क्या करना चाहिए देश में भविष्य में ऑक्सीजन की क्राइसिस ना खड़ी हो, उसके लिए क्या करना चाहिए। सभी स्टेट के साथ विस्तार से कंसल्टेशन हुआ। क्रिटिकल मेडिसिन की कोई किल्लत ना हो, उसके लिए भी व्यवस्था भविष्य के लिए बनाने के लिए, और भविष्य में बच्चों में कोविड का फैलावा हो तो उसके सामने हम कैसी व्यवस्था करें। एक कुल मिला के ये सारे विषय को जोड़ के ये पैकेज बनाया गया है। उसके अलावा कई ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था हमें सेंट्रल और इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम उसके सामने अच्छी तरह से उसका उपयोग करके कोविड क्राइसिस के सामने लड़ सके। क्या हम टेलीमेडिसिन का यूज नहीं कर सकते हैं? क्या हम टेली कंसल्टेशन नहीं कर सकते हैं? उसके लिए एक अच्छी फैसिलिटी क्रिएट नहीं कर सकते? उसके लिए भी इस पैकेज में व्यवस्था की गई है। उसके अलावा ये सारी पैकेज का इम्प्लीमेंटेशन जब स्टेट गवर्नमेंट करने के लिए जाए तब सभी स्टेट में अलग अलग व्यवस्था होती है, अलग अलग सैलरी होती है। हमने प्रावधान रखा है कि अगले दिनों में 9 महीने तक, मतलब जुलाई टू मार्च तक, देश में मेडिकल इंटर्न हो, रेसिडेंट हो, रेसिडेंट डॉक्टर हो, फाइनल ईयर्स में जेएनएम स्टूडेंट हो, बीएससी नर्सिंग में स्टडी करता हो, ऐसे स्टूडेंट हो, उसकी सेवा भी लेने की आवश्यकता हो तो ले सके। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट व्यवस्था करे और व्यवस्था में भी इस पैकेज से सहयोग मिलेगा। उसके उपरांत देश में 736 डिस्ट्रिक्ट में पीडियाट्रिक केयर यूनिट बनाने के लिए भी उसमें प्रावधान रखा गया है। हर स्टेट में पीएससी और सीएससी लेवल पर हम बेड निर्माण कर सके उसके लिए 2,44,000 बेड बनाने की व्यवस्था और उसका प्रावधान इस पैकेज में किया गया है। 20,000 आईसीयू बेड निर्माण करने के लिए भी इस पैकेज में व्यवस्था की गई है और उसमें 20% बच्चों के लिए विशेष हो, उसका हाइब्रिड यूज हो सके, बच्चों पेशेंट के रूप में आए तो वो आईसीयू में उसके लिए भी उपयोग हो सके और बड़े लोग आए उसके लिए भी उपयोग हो सके, ऐसा हाइब्रिड व्यवस्था खड़ी करने के लिए भी हमने उसमें प्रावधान किया है। कुल मिला के कभी आवश्यकता हो जाती है, कुछ क्षेत्र में बढ़ गया, महामारी बढ़ी, तो उसके लिए हमें एक बड़ी साइज का फील्ड हॉस्पिटल बनाने की आवश्यकता हो गई तो उसके लिए भी 5,000 बेड और 2,500 बेड ऐसा करके 100 और 50 यूनिट में हम बना सके उसके लिए भी
व्यवस्था की गई है। इस बार हमने देखा कि ऑक्सीजन की डिमांड जिस तरह से बढ़ी, कई लोकेशन पर प्रोडक्शन था लेकिन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में भी बहुत दिक्कत आई, तो ऐसी स्थिति भविष्य में निर्माण न हो जाए उसके लिए भी हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 10,000 लीटर क्षमता की व्यवस्था, हमने स्टोरेज क्षमता की व्यवस्था हर डिस्ट्रिक्ट पर 10,000 लीटर स्टोरेज की व्यवस्था हो, ये 9 महीने में हमें सारी व्यवस्था करें जैसे कि भविष्य में ऐसी कोई स्थिति निर्माण हो जाए तो उसका सामना हम अच्छी तरह से कर सके। जब पेशेंट को घर से हॉस्पिटल तक ले जाना होता है, जब पेशेंट को घर से हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस की आवश्यकता हो उसके लिए भी हमने इस पैकेज में व्यवस्था की है। कुल मिला के मेडिसिन की भी किल्लत ना हो जाए, सेंट्रल लेवल पर भी बफर स्टॉक के लिए, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी 1 करोड़ रुपीज की मेडिसिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रोक्योर करके बफर स्टॉक कर सके, ऐसी भी व्यवस्था इस पैकेज में की गई है। कुल मिला के भविष्य में कोविड बढ़े तो उसका सामना देश अच्छी तरह से और योजना पूर्वक कर सके, इस पैकेज के माध्यम से सुनिश्चित किया है। मुझे विश्वास है कि इस पैकेज का इम्प्लीमेंटेशन 9 महीने में किया जाएगा और भविष्य में कोविड की जो स्थिति बढ़े तो उसका हम अच्छी तरह से सामना कर पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। वी विल नाउ टेक अ फ्यू क्वेश्चंस। मंसूर जी, सबसे पहले आपको बधाई स्वास्थ्य मंत्री बनने की। मैं मधुरेंद्र न्यूज नेशन से बोल रहा हूँ। आपने जो पैकेज की घोषणा की, जाहिर तौर पर थर्ड वेव की तैयारियों के मद्देनजर और आगे की जो चुनौतियां हैं कोविड की उसके लिए की गई है, लेकिन इसका टेन्योर लंबा रखा गया है, 9 महीने का टेन्योर, जबकि जो एक्सपर्ट हैं वो बता रहे हैं कि अगस्त या सितंबर से थर्ड वेव शुरू हो जाएगी। तो जो सामने का थर्ड वेव है जिसको लेकर पूर्वानुमान है, उसको लेकर इस पैकेज में क्या व्यवस्था है? ये कोविड के सामने हमें सामूहिक लड़ना है और 9 महीने मैक्सिमम है, ये हम 3 महीने 2 महीने हमारी आवश्यकता के अनुसार, लेकिन व्यवस्था हम करें, तुरंत ही आवश्यकता हुई तुरंत ही कर ले, हमें जल्दी से जल्दी करना है, लेकिन ये लिमिटेशन मैक्सिमम है। हम अपेक्षा करते हैं कि शॉर्ट टाइम में ही हम पूरा करें, स्टेट गवर्नमेंट को पूरा करना है, स्टेट गवर्नमेंट की आवश्यकता के अनुसार वो काम करेंगे, वो पूरा करेंगे। हमारी ये प्रतिबद्धता है कि स्टेट को हर संभव हम मदद करें। हमने तो पहले भी जो SDRS से 28,000 करोड़ रुपीज, उसमें 75% सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होता है, सभी स्टेट गवर्नमेंट को कह के रखा है कि आपको इमरजेंसी में यूज होने की आवश्यकता हो तो उसका भी यूज कर सकते हैं। 58 नरेंद्र सिंह तोमर जी, रमन न्यूज 24 से बोल रहा हूँ। आपने कहा कि आज कैबिनेट में जो महत्वपूर्ण निर्णय हुए और आपने किसान आंदोलन से जुड़े लोगों तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की, आपको लगता है कि आज के इस बड़े फैसले के बाद किसान आंदोलन में जो लोग शामिल हैं उनको आप अपील करेंगे कि वो अपना आंदोलन वापस लें, या आंदोलन वापस अगर वो नहीं लेते हैं तो बातचीत के लिए आप इन्वाइट करेंगे उनको? किसान आंदोलन से संबंधित जो यूनियन हैं उनको मैंने एक बार नहीं अनेक बार यह कहा है कि कानून को रिपील करने के अतिरिक्त कोई भी प्रस्ताव वो लेकर हमारे पास आए, हम उस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। दूसरा, हमने हमेशा किसान आंदोलन के साथ संवेदनशील रवैया अख्तियार किया है, हमेशा किसानों का सम्मान मोदी सरकार के मन में है, लगातार हमारी कोशिश है कि किसान समृद्ध हो, खेती आगे बढ़े, मुनाफे की खेती हो, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो और किसान को सरकार की ओर से अधिकाधिक सुविधाएं दी जा सके। कृषि सुधार कानून भी इसी दिशा में भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है और मैं समझता हूँ समय रहते
किसान यूनियन को उसके महत्व को समझना चाहिए, सारा देश उसके महत्व को समझ रहा है। और मैं अभी भी आपके माध्यम से उनको यह कहना चाहता हूं कि कुल मिला के एपीएमसी के विषय को जिस प्रकार से कहा जा रहा था, तो ये इस निर्णय के बाद मैं समझता हूं इस पर विचार किया जा सकता है और विश्वास भी किया जा सकता है कि एपीएमसी समाप्त नहीं होगी, ऐसा कानून में कोई प्रावधान नहीं है। एपीएमसी राज्य के कानून के अंतर्गत बनती है और एपीएमसी और सशक्त हो और किसानों के लिए उपयोगी हो, यह मोदी सरकार की प्रतिबद्धता है। इसलिए 1,00,000 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में उसको पात्र इकाई माना गया है और इसके बाद निश्चित रूप से एपीएमसी की क्षमता बढ़ेगी। यह भी कहा जाता था कि एमएसपी के लिए समस्या जाएगी, तो आप सब ने देखा जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से लगातार पैदावार भी बढ़ रही है, लगातार खरीद भी बढ़ रही है और दलहन और तेलहन की भी खरीद बढ़ रही है। और जहाँ के लोग आंदोलन में अधिक हैं वहाँ के किसानों को हजारों करोड़ रुपया उनके अकाउंट में इस बार एमएसपी पर खरीद करके पेमेंट किया गया है। मैं आपके माध्यम से किसान यूनियन के नेताओं को यह अपील करना चाहता हूँ कि वो गंभीरता से इन सब चीज़ों पर विचार करें, आंदोलन को समाप्त करें, चर्चा का माध्यम अपनाएं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। 262 सर, मैं मिलन हूँ इंडिया टुडे आज तक से। मेरा सवाल स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मंडाविया से। सर, एक क्या इस पैकेज में वैक्सीन्स को लेकर कोई कोई इंक्लूजन है और वैक्सीन्स को लेकर क्या अभी रणनीति रहेगी, क्योंकि आने वाले समय में एक अगर तीसरी लहर से बचना है तो वैक्सीन एकमात्र निवारण दिखाई देता है। स्टेट्स भी कुछ किल्लत की बातें कर रहे थे। अच्छा क्वेश्चन है, उसके ऊपर पहले से ही बहुत बैठता है। सारे देश में मुफ्त वैक्सीन का अभियान, सारे देश में मुफ्त वैक्सीन का अभियान चल रहा है और उसके लिए प्रोडक्शन और सप्लाई का मैप बना हुआ है। उसके आधार पर वैक्सीनेशन आज के दिन में हो रहा है। 25% वो प्राइवेट हॉस्पिटल अस्पताल के माध्यम से, 75% गवर्नमेंट की ओर से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। उसके लिए जो भी खर्च होगा वो भारत सरकार उठाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, वी क्लोज द प्रेस कॉन्फ्रेंस नाउ बिकॉज द ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैव टू लीव एंड जॉइन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सर आनंद हूँ इंडिया टीवी से। कुछ लोगों को आपका भाषा का मजाक उड़ा रहे, सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को जो परफॉर्मेंस नहीं देखते, जिनका काम ही सिर्फ ट्रोल कर रहे हैं, उनको क्या जवाब है? उसके लिए मेरी कोई कमेंट नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स।